हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर बॉक्स ट्यूब। अगर साउंड की क्वालिटी अच्छी ना हो तो सुनने वालों को तो अच्छा नहीं लगता, प्लस बोलने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर सिचुएशन कुछ इस तरह, दांत से माल डालूंगा ले, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू, क्रिएट हो सकता है। वैसे भी मेरे पास 2 माइक्रोफोन्स हैं, एक है बोया का और दूसरा 10 प्लस का। तो चलते हैं फटाफट ये दोनों माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं कि महंगा वाला सस्ता है या फिर सस्ता वाला महंगा है। तो चलते हैं फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं बोया का, इसको अभी साइड में रखते हैं। तो चलते हैं देखते हैं ये बोया बॉक्स माइक। ये खाली डब्बा, ये यूज़र मैनुअल, नो ये वारंटी कार्ड है, ये यूज़र मैनुअल है, ये पाउच, ये पाउच है, इसके अंदर ये पाउच निकला और ये माइक्रोफोन है, इसके साथ ये कंडेंसर है और ये पाउच में देखते हैं क्या है। ये जेक है जो सिस्टम में या किसी साउंड सिस्टम या पीसी में कनेक्ट करने के लिए, और ये विंड स्क्रीन है जो ये इस माइक्रोफोन के ऊपर टॉप में लगता है, विंड स्क्रीन नॉइज़ कैंसिलेशन करने के लिए। ये क्लिप है और ये सेल है, ये बैटरी है। तो ये सारा मिलता है और ये माइक है, ये वायर है, काफ़ी लंबा वायर है। वायर है इसका, तो चलते हैं देखते हैं इसका। पहले क्लिप को सेट करेंगे, क्लिप को यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये विंड स्क्रीन को इस तरह सेट कर सकते हैं, विंड स्क्रीन को, और उसके बाद ये सेल को इस तरह इसको मूव करेंगे, ये खुल जाएगा। और ये जो क्लिप के जैसा ये जो रिबन है, इसे बाहर निकाल के सेल को लगाएंगे। ये माइनस प्लस को देख लेंगे किधर माइनस प्लस किस तरह लगाना है, और उसके बाद सेल को अंदर कर देंगे और ये रिबन को इसके अंदर कर देंगे, ताकि जब बैटरी को बाहर निकालना हो तो उसे उस क्लिप को खींचेंगे तो बैटरी आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये लग गया, ये माइक है। और इसमें एक कैमरा मोड के लिए है और दूसरा है स्मार्टफोन के लिए। जब आप इसे किसी कैमरा से कनेक्ट करते हो, जैसे DSLR और कोई भी कैम रिकॉर्डर, चाहे कुछ भी कैमरा से आप कनेक्ट करते हो, तो इसको ऊपर आपको करना होगा ऊपर, और जब आप किसी मोबाइल से इसे कनेक्ट करते हो तो फिर आपको नीचे रखना होगा।
इसे ऑफ मोड में रखना पड़ेगा। तो यही है भैया माइक, ये सारे हैं, यही है। तो अब चलते हैं ये माइक को अनबॉक्सिंग करते हैं 10 प्लस। तो अब चलते हैं दोस्तों इस माइक का अनबॉक्सिंग करते हैं। ये 10 प्लस का माइक है, माइक्रोफोन है, लेवलियर माइक है। तो चलते हैं फटाफट ये 10 प्लस का माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करते हैं। बस कुछ नहीं, एक क्लिप, एक विंड स्क्रीन और ये माइक्रोफोन। माइक्रोफोन और एक विंड स्क्रीन और एक क्लिप, बस एक्स्ट्रा गैजेट कुछ नहीं इसके साथ है, बस यही है। कुछ एक्स्ट्रा गैजेट इस माइक के साथ नहीं है और कुछ एक्सेसिव फीचर्स भी नहीं है इस माइक में, इसलिए इसका प्राइस कम है बस। और वायर, इस वायर की लेंथ भी अराउंड 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर के जैसा होगा बस। ये ब्लॉगिंग के लिए ठीक है लेकिन वॉइस क्वालिटी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। चलते हैं फटाफट दोनों माइक की वॉइस की टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कौन सा माइक का वॉइस अच्छा है, ये इसका 10 प्लस का या फिर ये बोया का। एंड नाउ विथ 10 प्लस माइक्रोफोन, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है और ये नॉइज़ कैंसलेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसे आप नोटिस करें क्योंकि बोया का माइक वो नॉइज़ कैंसलेशन को, नॉइज़ को अच्छा से डिटेक्ट करके वॉइस को इनक्रीज करता है। इसकी साउंड क्वालिटी जो भी आपको पता चली गया होगा। एंड नाउ आई एम विथ बोया बाय M1 माइक्रोफोन। आप इसकी वॉइस क्वालिटी एंड नॉइज़ कैंसलेशन को सुने, मेरे ख्याल से ये माइक बेटर हैं ये 10 प्लस माइक से। वैसे आपके बजट के अकॉर्डिंग आप जो कोई सा भी खरीद सकते हो, जितना आपका बजट है आप ऑफलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बोया माइक का लिंक शेयर करता हूँ, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ईयर बॉक्स ट्यूब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।